अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पिशावर का मशहूर लजीज चावल चन्ना मेवा गोश वाला पुलाव। तो हमने लिए 1 किलो चावल, तकरीबन इसे 2 घंटों के लिए हम भिगोएंगे गर्म पानी में। और हमने लिया है 1.5 किलो गोश, हड्डी और चर्बी समेत। इसको अच्छी तरह बॉयल करेंगे। इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून नमक और लहसुन शामिल करेंगे। ये आपको कंडीशन नज़र आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही बॉयल करेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ से हमने लिए थे 100 ग्राम चिकपास चने। इसको हमने ओवरनाइट 10 घंटे के लिए सो के रखा था। थोड़ा सा सोडा हमने शामिल किया था, तो पूरी रात के बाद यानी 10 घंटे के बाद अच्छी तरह धो के और तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसे उबालेंगे बिल्कुल नरम होने तक। तो सबसे पहले हम इसका गोश बनाएंगे। जो गोश हमने उबाला था, कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हमने 4 टेबलस्पून घी डाला है और थोड़ा सा प्याज का चौथाई सा प्याज डाला है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होने तक हम ये गोश डालेंगे इसमें और 1-2 मिनट बाद तो तकरीबन ज़्यादा नहीं 1-2 मिनट बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा टेबल स्पून गरम मसाला और आधा टेबल स्पून ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा। ज़ीरा कुट के हमने इसमें शामिल करना है। इसको आराम से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, तकरीबन 1-2 मिनट तक पकाएंगे। तो हमारा गोश्त ये रेडी हो गया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे। दूसरी तरफ हमने लिया पतीला, उसमें हमने 1 कप यानी 200 ग्राम घी डाला है और साथ ही इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक बारीक काट के ये शामिल करेंगे। जब तक प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हम प्याज को पकाएंगे। तो प्याज का कलर बिल्कुल जब ऐसा हो जाए गोल्डन ब्राउन, तो इसमें हम जो उबले हुए बॉयल किए हुए चने वो शामिल करेंगे। 2-3 मिनट तक फ्राई करने के बाद, 2-3 मिनट तकरीबन कम से कम फ्राई करेंगे। तो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश यानी मेवा, काला मेवा किशमिश 150 ग्राम, ये हमने शामिल किया है और तकरीबन 2 मिनट मज़ीद इसे हम फ्राई करेंगे। तो अब हमने जो यखनी, जो गोश हमने उबाला था बॉयल किया था, उसकी यखनी अब हम शामिल करेंगे। तो 1 किलो चावल हमने लिए, टोटल 1 किलो चावल के लिए तकरीबन 1.2 लीटर यानी 1.25 लीटर के करीब टोटल यखनी हम इसमें ऐड करेंगे। टोटल इस स्टेज पे अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। कुछ नमक हमने यखनी में ऐड किया था, तो आप इस टाइम चेक कर सकते हैं कि नमक कितना चाहिए, तो आप अपने अंदाज़े से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अच्छी तरह उबाल आने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे जो चावल हमने भिगो के रखे थे गर्म पानी में 2 घंटों के लिए। सैला चावल है, सैला राइस है, वो अब इसमें हमने शामिल कर लिए। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये जो
यखनी कुछ अभी हमने डाली, मिकदार वही है जो पहले हमने बताया है, टोटल 1 लीटर यखनी 1 किलो के लिए। तो 1 लीटर हमने उस वक्त यखनी डाली थी और बकाया जो कुछ 1 हफ़्ता वो अभी हमने अब शामिल किया है। स्टेज के ऊपर स्टेज पे हम इसे ढकना लगाएंगे, कवर करेंगे तकरीबन 6-7-8 मिनट के लिए। तो 7-8 मिनट हो चुके तो चावल की कंडीशन आप देख सकते हैं, तो पानी अभी भी खुश नहीं हुआ। तो अभी हम इसे ढकना उतार के इसका पानी टोटल ड्राई करेंगे तेज़ आंच पर। जब पानी सारा ड्राई हो जाए, खुश हो जाए, तो पानी खुश हो गया है, ड्राई हो गया है, तो इसके ऊपर अब हम ये कुटा हुआ ज़ीरा है, आधा टीस्पून कुटा हुआ, ज़रूर इसको कुट के आधा टीस्पून, या अगर कुटा हुआ ना हो तो इधर पूरा आप ये डाल सकते। और गरम मसाला भी आधा टीस्पून यानी हाफ टी स्पून ये इसके ऊपर हम छिड़केंगे, आधा टीस्पून ज़ीरा और आधा टीस्पून गरम मसाला। और जो गोश्त हमने फ्राई किया था, अच्छा गोश्त आप जब भी उबालते हो चावलों के लिए, बड़े बड़े पीस आप, छोटे पीस बिल्कुल भी मत करिएगा, तो बड़े बड़े पीस लेके आप चावलों के लिए उबालें। तो गोश्त हमने ऊपर इसके ऊपर डाल दिया है, तो अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, कम से कम 30 मिनट के लिए से दम लगाएंगे हल्की आंच पे। और जनाब 30 मिनट पूरे हो गए तो हमारे लजीज चावल, पिशावरी मेवा छन्ना पुलाव, गोश्त वाला पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब चावल मिक्स करने यानी निकालने के लिए प्लेट का इस्तेमाल करें। मज़ीद ऐसी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारा यूट्यूब चैनल अपना पिशावर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करे, और वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर बुरी भी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। आपका क्या जाता है।